भाइयों और बहनों, भाजपा की सरकार बनने से एक और जगह बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन आया है स्वरोजगार के मामले में, छोटे और लघु उद्योगों के प्रति अप्रोच में। 5 वर्ष पहले जब जेएमएम के सहयोग से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तब बैंक से ऋण लेना कितना मुश्किल था, इससे आप भली भांति परिचित हैं। छोटी छोटी जरूरतों के लिए 40-50 हजार रुपए के कर्ज के लिए कितनी जगह हाजिरी लगानी पड़ती थी, कितने कागज देने पड़ते थे, ये आपने देखा है। कांग्रेस के राज में बहनों को, छोटे दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को अपना व्यापार शुरू करने में बहुत दिक्कत होती थी। भाजपा की सरकार ने इस स्थिति को बदला है। साथियों, आज बैंकों को मजबूत किया जा रहा है और देश, बैंकों का दरवाजा आज हमने सामान्य जनता के लिए खोल दिया है। सरकार द्वारा मुद्रा योजना के तहत देश भर में करीब 20 करोड़ ऋण दिए जा चुके हैं। इसके माध्यम से करीब 10 लाख करोड़ रुपए स्वरोजगार में लगे हैं। इनमें झारखंड के भी लाखों उद्यमियों को, हजारों बहनों को लोन मिला है। मैं तो अक्सर यहां की बहन बेटियों और स्वरोजगार करने वालों से तकनीक के माध्यम से जुड़ता रहा हूं। वो मुझे बताते हैं कि कैसे मुद्रा लोन के तहत मिले कर्ज से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। साथियों, स्किल इंडिया अभियान से और झारखंड सरकार की कौशल बढ़ाने वाली योजना के साथ साझा प्रयास से आज एक नया उत्साह और नया उमंग, नया आत्मविश्वास हमारी युवा पीढ़ी में दिखाई दे रहा है। झारखंड में अनेक साथियों ने सैलून का, ब्यूटी पार्लर का, ऐसे अनेक नए नए काम सीखे। कोई ऑटो रिक्शा लाया, कोई टैक्सी लाया, कोई जीप लाया, और इसके बाद उनको मुद्रा योजना के तहत बैंकों से आसान ऋण भी मिल गए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से ही देश भर में करीब 17 लाख युवाओं को रोजगार मिला है, जिसमें से करीब 2 लाख हमारे अकेले झारखंड के ही है। बैंकों की मजबूती का लाभ हमारे लघु और छोटे उद्योगों को भी मिला है। यहां जो चप्पल उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, जूट उद्योग है, उनको भी इससे लाभ मिलना तय है। पिछले कुछ समय में ही छोटे उद्योगों को सरकारी बैंकों से 70 हजार करोड़ रुपए से अधिक का ऋण मिल चुका है। इससे इन उद्योगों में नए रोजगार का निर्माण तय है।